नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट के संज्ञान पर राउज एवेन्यू ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट के संज्ञान पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 30 मई को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने वकील का पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 27 मई को शाम 4 बजे सुनाएगी। अदालत के सवाल पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि जांच चल रही है और पूरक आरोप पत्र दायर किए जाएंगे। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल के खिलाफ है। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में यह पूरक आरोप पत्र 25 अप्रैल को दाखिल किया गया था। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन दो मोबाइल फोन को नष्ट करने की बात कबूल की है जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मांगे गए थे। 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आबकारी घोटाले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। सूत्रों का दावा है कि उसी दिन से सिसोदिया ने नया मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मामले की जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि सिसोदिया 1 जनवरी 2020 से 19 अगस्त 2022 के बीच 3 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। 9 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया और सिसोदिया के कब्जे से एक ही फोन जब्त किया। एक सूत्र ने कहा कि हमें बाद में पता चला कि सिसोदिया के कब्जे से जब्त किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल उन्होंने 22 जुलाई 2022 से करना शुरू किया था। यह वह तारीख थी जब गृह मंत्रालय ने हमें आबकारी मामले में जांच करने का निर्देश दिया था। पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने कथित तौर पर जांच एजेंसी के सामने माना कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। एक सूत्र ने सिसोदिया के हवाले से कहा, इससे पहले मैं 2 सेल फोन इस्तेमाल कर रहा था जो नष्ट हो गए हैं। सूत्र ने कहा कि 2 मोबाइल फोन के मामले में सिसोदिया को सीआरपीसी की धारा 91 का नोटिस भी दिया गया था और जवाब में उन्होंने इसे स्वीकार किया। चार्जशीट के हवाले से सूत्र ने कहा, पॉलिसी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत वाले हैंडसेट को जानबूझकर नष्ट करना सिसोदिया के खिलाफ एक और गंभीर मामला है। सिसोदिया फिलहाल हिरासत में है और उनकी कई जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।